बोडेली तालुका के कई गांवों में हाहाकार मचाने वाले जंगली जानवर तेंदुए को आखिरकार घेरा गया। बोडेली तालुका के कई गांवों में पिछले कई दिनों से आतंक मचाने वाले मानव पक्षी तेंदुए को आखिरकार लोगों द्वारा घेरा गया। टोकरवा के पास ये तेंदुआ झाड़ी में छुपा कर बैठा है, वैसी वन विभाग को जानकारी मिली थी, जिस आधार पर गांव लोग तथा वन विभाग द्वारा ये तेंदुए को कॉर्डन करने के लिए विशेष रूप से कामगिरी जारी की गई। तेंदुए को डांट लगाने के साथ बेहोश करने के साथ उसे पकड़ते हुए बाद स्थानिक लोगों ने राहत की सांस ली थी। मानव पक्षी तेंदुए ने अभी तक दो मासूम बच्चे को शिकार बनाते हुए मौत के घाट उतारा था। ऐसे में कई लोगों ने घर के बाहर निकलना टाला था, यहाँ तक कि लोगों द्वारा अपने बच्चों को शाला में भेजना भी टाला गया। लोगों द्वारा तेंदुए की दहशत के बीच घर से निकलना और खेत में जाना भी टालते हुए वे लोग घर में ही डर और दहशत के माहौल में जी रहे थे। ऐसे में अब ये तेंदुए को पकड़ने के साथ लोगों द्वारा कहीं न कहीं राहत की सांस महसूस करते हुए वन विभाग द्वारा यहाँ पर 14 जितने पिंजरे लगाए गए थे। अत्यारे हमारे तो यूं छे कि अब गाम में बहु परिस्थिति खराब थी गई है, कि आदमखोर बुड़ाई गेलो छे, ये मूलधर अने ढोड़ी अबे गाम में बे बाळक ने खाई गयो छे, पर हजू सुधी दीपड़ो पकड़ा तो नहीं, अने आजूबाजू पांजरा तो बहु मूक्या छे पण वन विभाग थी पकड़ा तो नहीं, कि वन विभाग ने कंक ने कंक एनी मिस्टेक रही जाए, कंक खामी रही जाती है एवं लगे। सरकार जोड़े अमार तो यही मांग है कि आ दीपड़ा में वहली में वहली तके पकड़ाई जाए, मांग है। अत्यारे अमारे बाळको केवुं के स्कूले मोकलवा भी अमने बीक लागे छे अने बाळको भी छे, एटले बाळको स्कूले जता नथी अने अमे मोकली नहीं सकता, कारण के पेला बे बाळकनो जीव तो गयो छे अने हवे पाछो कोई तीजो बाळक ना जाय एनी एवी चिंता छे। राठवा प्रेमदास रमनभाई टोकरवा। टोकरवाथी विक्रमभाई बोलूं छूं, કેમ કે આ દીપડો આવ્યો એમ કરીને લોકો ડરવા લાગે છે, અને છોકરાઓને સ્કૂલમાં અંદર મોકલી નહીં શકતા અમે, કેમ કે ધાળિયા ગામમાંથી એક છોકરો ઉઠાઈ ગયો, મૂલધર ગામમાંથી બી એક છોકરો ઉઠાઈ ગયો, એમ કરીને છોકરોને વાલીઓ મોકલતા નહીં સ્કૂલની અંદર, સ્કૂલની અંદર જાય એટલે છોકરા શિક્ષકને બી કીધું કે તમે છોકરાઓને અંદરથી બહાર નહીં નીકળવા દેજો, ત્યારે અમારો એક એક છોકરો છે, એમ કરીને છોકરાઓ સ્કૂલની અંદર જાય છે, પણ સાહેબ ના પાડે છે કે છોકરાઓને મોકલવાના નહીં અંદર,